फ्रेंड, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रोहित एमएलटी में। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रब टाइफस के बारे में। स्क्रब टाइफस एक ओरिंटिया सुद सुगामुसी नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक एक्यूट रोग होता है। इस रोग का कारण बनने वाले बैक्टीरिया एक प्रकार के सूक्ष्म कीट यानी माइट के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुँचते हैं। स्क्रब टाइफस फीवर एक आम तौर पर उन लोगों को होता है जो झाड़ियों वाले क्षेत्रों में या आसपास ज़्यादा गंदगी होने में या ऐसे क्षेत्रों में शामिल हैं जो जंगलों के आसपास का क्षेत्र, नदियों के किनारे, घास फूस वाले क्षेत्र आदि पर, जहां पर लोग अपने घर बनाकर रहते हैं। स्क्रब टाइफस होने का मुख्य कारण वहीं पर ज़्यादा होता है। स्क्रब टाइफस के मुख्य रूप से बुखार, सरदर्द, ठंड लगना, पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द होना, आँख में संक्रमण, त्वचा पर चकते होना आदि इसके लक्षण होते हैं। स्क्रब टाइफस की समय पर जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये है घातक हो सकता है। स्क्रब टाइफस एक कीट के काटने से होता है। स्क्रब टाइफस से संक्रमित कोई कीट जब काटता है तो उसके काटने के 6 से 21 दिन के बाद अचानक से कुछ लक्षण विकसित होते हैं, जिसमें हमें बुखार, ठंड लगना, सरदर्द आदि की हमें समस्या होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। स्क्रब टाइफस की जांच हमें अपनी लेबोरेटरी में किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास CTK बायोटेक कंपनी की हमारे पास ये किट है, स्क्रब टाइफस IgG एंड IgM रैपिड टेस्ट किट। इसके माध्यम से हम स्क्रब टाइफस को परफॉर्म करेंगे अपनी लेबोरेटरी में। सबसे पहले किट को ओपन करते हैं। हमने किट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये हमारा स्क्रब टाइफस का लिटरेचर दिया हुआ है। इस लिटरेचर को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें सारी जो हमारा टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका दिया हुआ है, इसी के माध्यम से हमें अपने टेस्ट को परफॉर्म करना है। कितना हमें सैंपल डालना है, कैसे निगेटिव आएगा, कैसे पॉजिटिव आएगा, ये सब आपको इस लिटरेचर में मिलेगा। लिटरेचर को पढ़िएगा, उसके बाद हम चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। ये हमने किट को ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमें एक लिटरेचर मिलता है। इसमें ये हमारा स्क्रब टाइफस IgG IgM का रैपिड टेस्ट कार्ड है और ये इसी के साथ ड्रॉपर आए हुए हैं 5 माइक्रोलीटर और इसी के साथ ये बफर आया हुआ है। इन तीनों के माध्यम से हमें अपने टेस्ट को परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेस्ट को ओपन करेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कार्ड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले अपने कार्ड पर पेशेंट का ID नंबर या सीरियल नंबर को हमें मेंशन करना है और इस ड्रॉपर के माध्यम से 5 माइक्रोलीटर सैंपल हमें इस होल में कलेक्ट करना है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें इसमें ये यहाँ पर सैंपल को हमें 5 माइक्रोलीटर को इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमें 2 ड्रॉप, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 5 माइक्रोलीटर सैंपल को इस होल में डाल दिया है और 2 ड्रॉप हमें क्या करना है, इसमें 2 ड्रॉप बफर को हमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद हम देखेंगे इसका रिजल्ट। रिजल्ट के लिए हमें 20 मिनट वेट करना है। इसमें 20 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा 5 माइक्रोलीटर सीरम या प्लाज्मा दोनों का हम यूज कर सकते हैं। 2 ड्रॉप हमें बफर का यूज करना है और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें होल ब्लड के माध्यम से भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। 5 माइक्रोलीटर हमें होल ब्लड लेना है और 2 ड्रॉप हमें बफर का यूज करना है एंड 20 मिनट वेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि लिटरेचर को ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ें लिटरेचर में दिखाई दी है। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हमारा ये ऐसा फॉर्मेट आएगा, अगर निगेटिव आता है तो ऐसा फॉर्मेट आएगा, ये सब आपको इस लिटरेचर में मिलेगा। और हमारा कार्ड अगर इनवैलिड है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा।
इसी के माध्यम से हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है। आफ्टर 20 मिनट ये हमारा स्क्रब टाइफस IgG IgM का रिजल्ट आ चुका है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पिंक कलर की लाइन सी के आगे आई है, जो हमारा कंट्रोल है। कंट्रोल हमारा ये निगेटिव है। IgG के आगे कोई पिंक कलर की लाइन नहीं है और IgM के आगे भी कोई पिंक कलर की लाइन नहीं है। इसका मतलब हमारा टेस्ट निगेटिव है। अगर IgG के आगे आती है तो हमारा IgG पॉजिटिव हो जाता है, और IgM के अगर आगे आती है तो IgM पॉजिटिव हो जाता है। अगर तीनों में ही आपको पिंक कलर की लाइन अगर दिखती है तो हमारे IgG IgM दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। हमारी जो भी है पिंक कलर की लाइन, ये सिर्फ कंट्रोल के आगे ही आनी चाहिए। कंट्रोल के आगे आई है तो ये हमारा टेस्ट निगेटिव है। 1x1 करके हम ऐसे ही पेशेंट के टेस्टों को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा जल्द ही। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल रोहित MLT को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।